स्टार्ट। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। और इस वीडियो के अंदर अब हम सीखेंगे कि कैसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के और पास्ट परफेक्ट के पैसिव बनाएंगे। अभी तक आपने टोटल तीन पार्ट्स में ये टॉपिक पढ़ लिया है। अगला जो अब हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आप जानेंगे कि पैसिव सेंटेंसेस के अंदर आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं यहां तक समझ भी आ रहा। सो माई नेम इज अमन। आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूस का और परफेक्ट का। सो स्टार्ट करेंगे टॉपिक। स्टार्ट करेंगे टॉपिक हम अपना। हेडिंग डालिएगा आप चेंज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस इनटू पैसिव, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव कैसे बनेगा, और अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, है ना, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भी चीज जाननी जरूरी है। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव जानने के लिए हमें पहले उसका रूल याद रखना है। क्या रूल याद रखना है? एक्टिव रूल। सो हेडिंग में हम लिखेंगे एक्टिव रूल, यानी एक्टिव रूल पास्ट कॉन्टिन्यूस का। टेंस का रूल क्या कहता है? टेंस, सब्जेक्ट लगाएं, फिर एक हेल्पिंग वर्ब लगाएं, वॉज वर्ब, और कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म भी लगेगी, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, यानी पर्सन का नाम, फिर वॉज वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये तो है टेंस का। जैसे मैंने यहां सेंटेंस लिख दिया, रोहित वॉज यूजिंग दिस डिवाइस। रोहित यह डिवाइस यूज कर रहा था, चला रहा था, यह मैंने इस सेंटेंस में लिखा है। अब आप सेंटेंस को पढ़कर ना पहले यह पहचाने कि क्या पैसिव बनेगा। रोहित चला रहा था, यूज कर रहा था, क्या यूज कर रहा था बनेगा, क्या क्या यूज कर रहा था, वो डिवाइस यूज कर रहा, यानी ये जो वर्ड है दिस डिवाइस, ये आपको सेंटेंस में व्हाट का आंसर दे रहा है, और ये अगर व्हाट का आंसर दे रहा है तो आप पैसिव इसका बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? रोहित वॉज यूजिंग दिस डिवाइस, पैसिव का पहले रूल पता लगे फिर ही बनाएंगे, ना। सो पैसिव का रूल जब हम बनाएं तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, यानी इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पहले लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर लिखी है वही हेल्पिंग वर्ब वापस से नीचे लिख देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद आपको वोज वर्ब फिर से लगा देना है, लेकिन इस बार वोज वर्ब के साथ आपको एक वर्ड जोड़ना है जो मैंने पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी जुड़वाया था, याद होगा आपको, बीइंग, है ना। तो हम यहां पर वोज वर्ब के साथ में जोड़ेंगे बीइंग, और क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है तो यहां पर वर्ब कौन सी मिलेगी, थर्ड फॉर्म, और लास्ट के अंदर आप लिखेंगे पर्सन का नेम, यानी कि इस सेंटेंस में पर्सन ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आएगा आगे, हेल्पिंग वर्ब वही वापस से वॉज वर्ब, लेकिन वॉज वर्ब के साथ आप क्या लिखेंगे, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में पर्सन का नेम। चलिए तो सेंटेंस को कैसे बनेगा बना के देखते। रोहित वॉज यूजिंग, रोहित चला रहा था, क्या चला रहा था, दिस डिवाइस, यानी आपका ऑब्जेक्ट है दिस डिवाइस, और अगर डिवाइस एक है, दिस लिखा हुआ है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा वॉज, सो दिस डिवाइस वॉज बीइंग यूज की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यहां यूजिंग लिखा है, आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो आप लिखोगे दिस डिवाइस वॉज बीइंग यूज्ड बाय, किसके द्वारा यूज किया जा रहा था, रोहित के। नेम को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेम रखते हैं, चेंज नहीं करेंगे, तो रोहित का आप क्या लिखेंगे, रोहित ही लिखेंगे, दिस डिवाइस वॉज बीइंग यूज्ड बाय रोहित। एक और एग्जाम्पल देंगे, माई फ्रेंड्स वर कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स, मेरे दोस्त अपनी असाइनमेंट्स को पूरा कर रहे थे, ये इसका मीनिंग है।
क्या पूरा कर रहे थे? असाइनमेंट्स, यानी ये जो वर्ड है आपका, ये आपको व्हाट का आंसर दे रहा है, आप इसका पैसिव बना लोगे, यानी इसका पैसिव हम बना सकते हैं। यानी जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम देखेंगे हमें सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई, वर्ब आ गई, वर्ब के साथ में जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट भी आ गया, क्योंकि ये आपको व्हाट का आंसर दे रहा है। क्या बना रहे थे? असाइनमेंट्स बना रहे थे, तो बन जाएगा पैसे, हम इसका पैसे बना सकते हैं। कैसे बनेगा? असाइनमेंट्स को पहले लिखें, यानी पैसिव वॉइस के अंदर आपको पहले रूल लिख लेना है। रूल मैंने अभी अभी लिखवाया, किसमें क्या रूल था एक बार फिर से देख लें। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो लिखी हुई है उसे दोबारा लिखें, साथ में क्या लगेगा? बीइंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाय पर्सन। तो चलिएगा, ऑब्जेक्ट आपको दिया है असाइनमेंट्स, तो मैं असाइनमेंट्स को पैसिव में पहले लिख देता हूं। ये रहा असाइनमेंट्स। अब क्योंकि असाइनमेंट्स ज्यादा हैं तो वोज वर्ब में से मैं वर्ब को यूज करूंगा, सो असाइनमेंट्स वर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? कंप्लीटेड। सो असाइनमेंट्स वर बीइंग कंप्लीटेड बाय, और जिसके द्वारा की जा रही थी वो थे मेरे दोस्त, तो आप सेंटेंस बनाएंगे बाय माय फ्रेंड्स, असाइनमेंट्स वर बीइंग कंप्लीटेड बाय माय फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल देखें, आई वॉज सेंडिंग हिम अ मैसेज। ये जो सेंटेंस है इससे आप एक नई चीज समझेंगे, क्या कि देखिए कई बार सेंटेंस में आपको डबल ऑब्जेक्ट भी मिल जाते हैं, मतलब कई बार ऐसा भी होगा सेंटेंसेस में कि आपको एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। कई बार होता है ऑब्जेक्ट मिलता नहीं है, और कई बार ऐसा होता है दो दो आ जाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आप देखें, आई वॉज सेंडिंग, मैं भेज रहा था, ठीक है, क्या क्या भेज रहा था? अ मैसेज भेज रहा था, मतलब ये आपको व्हाट का आंसर है। किसको भेज रहा था ये मैसेज? ये मैं उसको भेज रहा था, और होम का आंसर भी मिल रहा है, यानी ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। मतलब आप किसी भी वर्ड को पहले लिखकर पैसिव बना सकते हो, यानी इस सेंटेंस के दो पैसिव बनेंगे, और एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनके डबल पैसिव बनते हैं। हो सकता है कि आप अ मैसेज से पैसिव बना दें और वो एग्जामिनर आपको दे ही ना ऑप्शन में, वो हिम से सेंटेंस का पैसिव बना के दे रहा हूं, तो याद रखना है इसको, ठीक है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस आपको दिया। आई वाज सेंडिंग हिम अ मैसेज, तो सबसे पहले मैं पैसिव वन बनाता हूं अ मैसेज वर्ड को यूज करके। सो अ मैसेज, एक मैसेज है तो वॉज, फिर साथ में लगेगा बीइंग। अ मैसेज वॉज बीइंग सेंड की थर्ड फॉर्म, अ मैसेज वॉज बीइंग सेंड टू हिम, पर्सन को लिख रहे हैं तो टू लगाना पड़ता है, और किसके द्वारा? मेरे द्वारा, तो बाय आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी? मी। यानी कि इस तरह से आप क्या बना दोगे? पैसिव। ये पैसिव वन है। अगर हम अ मैसेज को पहले ना लिखकर हिम को पहले लिखें, तो हिम वर्ड जो है ये अगर हम पहले लिखे तो वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, और ही के लिए फिर से वॉज वर्ब में से हम क्या चूज करते हैं? वॉज। तो आप लिखेंगे ही वॉज बीइंग सेंड अ मैसेज, ही वॉज बीइंग सेंड अ मैसेज बाय मी। यानी कि आपके दोनों सेंटेंस सही है, गलत नहीं है कोई भी, तो आपको याद रखना है कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जहां पर दो दो पैसे बन जाते हैं, तो आपको ऐसे बनाना है। अब हम सीखते हैं अगला पार्ट, यानी अगला टेंस, जिसकी हेडिंग है पास्ट परफेक्ट। तो हेडिंग डाल दीजिए चेंज ऑफ पास्ट परफेक्ट इनटू पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट का पैसिव कैसे बना? सो पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए पहले आपको एक्टिव आना चाहिए, एक्टिव बनाने के लिए पहले आपको रूल आना चाहिए। सो एक्टिव का रूल क्या रहता है? पास्ट परफेक्ट का रूल बड़ा सिंपल सा है, पर्सन का नेम, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड,
वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका आप सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, और वर्ब कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ये टेंस का रूल कहता है। एक एग्जांपल से समझें इसको, जैसे मैंने यहां लिख दिया तरुण हैड परचेज्ड शेयर्स, तरुण शेयर्स खरीद चुका। अब आप देखेंगे सेंटेंस में मैंने यहां हैड लिख दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, लेकिन पैसिव का जब हम रूल बनाएंगे तो पैसिव का रूल कैसे बनेगा वो देखें। पैसिव रूल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट वर्ड आपका स्टार्टिंग में आएगा, हेल्पिंग वर्ब आप सेम लिखेंगे हैड, लेकिन वर्ब कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। बट एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम किसी परफेक्ट सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, हमने पहले भी ये चीज पढ़ी थी, जब भी हम किसी परफेक्ट सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो हमें साथ में यूज करना होता है बीन, और फिर जाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है और पर्सन को लास्ट में लिख देंगे। यानी कि जब आप पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा हैड, फिर उसके बाद में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए एक बार देखते हैं, तरुण हैड परचेज्ड शेयर्स, ऑब्जेक्ट आपका है शेयर्स, क्या खरीदे उसने, शेयर्स खरीदे उसने, शेयर्स के बाद आप लिखेंगे हैड, फिर आप लिखेंगे बीन, सो शेयर्स हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, परचेज्ड वापस से लिखा जाएगा, शेयर्स हैड बीन परचेज्ड बाय तरुण, तो ये वर्ड आप लास्ट में लिख दोगे तरुण, सो शेयर्स हैड बीन परचेज्ड बाय तरुण। एक एग्जांपल और देखें, She had left this place. She had left this place. वो यह जगह छोड़ चुकी थी। क्या छोड़ा उसने, यह जगह छोड़ी। ये देखेंगे ना तो आप this place जो है ये आपको क्या का आंसर मिल रहा है, छोड़ दिया, क्या छोड़ी, क्या मानता हूं आप कह रहे कहां छोड़ा, वो नहीं लिखा यहां पे, दिल्ली नहीं लिखा। आप देखेंगे she left क्या this place, तो आपका ऑब्जेक्ट this place है, तो आप पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव के अंदर this place पहले लिखा जाएगा, और this place के बाद आप हेल्पिंग वर्ब आपकी had, फिर been, this place had been, छोड़ना लीव, लीव के थर्ड फॉर्म फिर से लेफ्ट ही रहती है, तो this place had been left by her, ये आपका पैसिव बनेगा। एक क्वेश्चन आप करेंगे, वी हैड क्लोज द शॉप, आई हैड replied her he had driven a car। तो इन तीनों का पैसिव आप बना के देखेंगे, और पैसिव बनाने के बाद आप इसे कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करेंगे। So, इस पार्ट के अंदर आपने जाना है कि कैसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का और पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं। अभी तक आपने जो चीजें समझी आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगले पार्ट में हम आठों के आठों टेंस, यानी छह तो हो गए आपके, दो रह गए हैं, तो अगला जो पार्ट होगा वो आपका फिनिशिंग पार्ट होगा टेंसेज के पैसिव का। ये मत सोचना पूरा पैसिव वॉइस खत्म हो गया, सिर्फ आपने अभी पैसिव वॉइस के टेंस के सेंटेंस फिनिश करने हैं अगले पार्ट, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करें। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आप।